Hello dear kids, a very warm and hearty welcome to the maths class. Maths class में आप सभी बच्चों का स्वागत है. How are you all? I'm sure you all are happy and you all are good, doing well. And this is our maths class and we have completed the chapter shapes and patterns which we were doing till now. So today I will start a new chapter. Okay, now maths is a subject which is there all around us. आप कभी ध्यान नहीं दोगे, लेकिन कभी अगर आप सोचो तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम बाकी दूसरे सब्जेक्ट से भी वो रिलेटेड है. हम कितने कामों में मैथ्स यूज करते हैं, ठीक है, एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है. मार्केट जाते हो तो कितने का सामान हुआ, कितना पैसा देना है, कितना आपने दिया, कितना रिटर्न होगा, देन ये सारी चीजें तो हम करते हैं. उसके अलावा जैसे अभी हमने पढ़ा शेप्स एंड पैटर्न्स, तो शेप्स एंड पैटर्न्स में क्या है, हमारे देर आर सो मेनी शेप्स अराउंड अस. हमारे आसपास कितने तरह के शेप्स हैं, वी सी सो मेनी पैटर्न्स अराउंड अस. हम कितने तरह के पैटर्न्स देखते हैं, जैसे घर में कर्टन्स हैं, मम्मी जो कपड़े पहन सूट पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई पैटर्न रहता है, ठीक है ना. तो अभी जैसे मैंने देखो ये जैसे पहन रखा है, इस पे भी यू विल फाइंड अ पैटर्न. सो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे इट इज ऑल अराउंड अस, हमारा ध्यान नहीं जाता है लेकिन ये हमारे सारे तरफ है, ठीक है. नाउ मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं. वी हैव डन नंबर्स टिल 10, अभी हमने 1 से लेकर के 10 तक नंबर्स किया. टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द नंबर्स फ्रॉम 11 टू 20. ओके, सो दिस इज अवर न्यू चैप्टर. Chapter 6 and the name of the chapter is Working with Numbers till 20. Okay, this is the name of the chapter, Working with numbers till 20. मतलब अभी हम numbers करेंगे from 11 till 20. Because we have already done the numbers from 1 to 10. 1 से लेके 10 तक हमने numbers कर लिया है. So today we will start from number 11 till 20. Now see this. There are some bananas on the plate. ठीक है, प्लेट पे आपको क्या दिख रहा है, बनानास आर देयर. दिस मंकी सेज हेल्प मी काउंट द बनानास. एंड एज वी ऑल नोस नो मंकीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ बनानास. सबको मालूम है कि मंकीज को बनाना बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो वेरी फॉन्ड ऑफ बनानास. तो दिस मंकी सेज हेल्प मी काउंट द बनानास. Now we have done the numbers till 10. Okay, 10 तक हमने number किया है. And then
इन द चैप्टर एडिशन, हमने एडिशन की एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो एंड एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ वन के बारे में भी पढ़ा था. मैंने एक्सप्लेन किया था, आई एक्सप्लेन अबाउट द एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो एंड एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ वन. एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो सेज दैट व्हेन वी एड जीरो टू एनी नंबर वी गेट द सेम नंबर. एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या कहती है? इट सेज दैट व्हेन वी एड जीरो टू एनी नंबर, किसी भी नंबर में जब हम जीरो ऐड करते हैं तो हमको वही सेम नंबर मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी एड सेवन एंड जीरो, सेवन में अगर हमें जीरो हम ऐड करते हैं तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट सेवन ओनली एज आंसर. बिकॉज जीरो का मतलब क्या है? जीरो मीन्स नन, जीरो मतलब कुछ नहीं. तो जब हमने किसी भी नंबर में कुछ भी नहीं हम ऐड करेंगे तो हमको वही सेम नंबर मिलेगा. सो दिस इज द एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. एंड एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ वन सेज दैट व्हेन वी ऐड वन टू एनी नंबर वी गेट द नेक्स्ट नंबर. दैट मीन्स सेवन में हमने जीरो ऐड किया तो वी गेट सेवन ओनली. सेवन में अगर हम वन ऐड करते हैं, सेवन प्लस वन करते हैं, देन इट विल बिकम एट, है ना. सेवन में जब हमने वन ऐड किया तो वो क्या हो गया? एट. एट इज अ नंबर आफ्टर सेवन. सिमिलरली इफ यू ऐड वन टू एट, एट प्लस वन, व्हाट डू यू गेट? एट प्लस वन इज नाइन, है ना. नाइन में इफ आई ऐड नाइन प्लस वन, व्हाट डू आई गेट? आई गेट टेन. सो इन दिस मैनर व्हेन वी ऐड वन टू एनी नंबर वी गेट द नेक्स्ट नंबर. दैट मीन्स वी गेट द नंबर विच कम्स आफ्टर दैट नंबर. मतलब जिस भी नंबर में हमने वन ऐड किया तो हमें जो आंसर मिलेगा, जो उस नंबर के बाद जो नंबर आता है वो नंबर आएगा. ओके. सो दिस इज द एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो एंड वन. मतलब आप किसी भी नंबर में वन ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा. एंड इफ यू ऐड जीरो टू एनी नंबर यू विल गेट द सेम नंबर एज आंसर. ओके. सो अभी हमने नंबर टेन तक, वी हैव ऑलरेडी डन नंबर टेन तक हमने कर लिया है. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर इलेवन, फ्रॉम वन टू नाइन. ऑल द नंबर्स आर सिंगल डिजिट नंबर, वन टू थ्री फोर. यू विल सी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. दीज आर ऑल सिंगल डिजिट नंबर. मतलब इन सारे नंबर्स में ओनली वन डिजिट इज देयर. नाइन के बाद जब टेन आता है तो यहां से टू डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं. ठीक है. नो टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन टिल 99 तक टू डिजिट नंबर्स हैं. तो टुडे वी विल स्टार्ट लेसन ऑफ टू डिजिट नंबर्स. ओके. नाउ हाउ डू यू गेट 11? 10 इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर. क्योंकि 9 के बाद जब 10 आता है तो 10 जो है वो सबसे छोटा टू डिजिट नंबर है. नाउ सी इन योर बुक पेज नंबर इज 50. नाउ काउंट द नंबर ऑफ बनानास. पहले आप जो बंच में बनानास है काउंट दोस बनानास. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. देर आर 10 बनानास इन अ बंच. मतलब एक साथ कितने बनानास रखे? 10 बनानास. एंड वन बनाना इज केप्ट सेपरेटली. वन बनाना कहाँ है? वो अलग से रखा है. ओके. सो 10 बनाना प्लस वन. जैसे मैंने बताया व्हेन वी ऐड वन टू एनी नंबर we get the next number. So 10 bananas plus 1 banana. 10 में जब हमने 1 banana add कर दिया तो what is the number?
द नंबर बिकम्स 10 के बाद क्या आता है, द नेक्स्ट नंबर इज 11। ओके, सो जब हमने 10 बनाना में 1 बनाना और ऐड कर दिया तो इट बिकम्स 10 प्लस 1 दैट इज 11। ओके, सो हाउ डू वी राइट दिस, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 gives is equal to 11 and the number name that is the spelling, spelling of 11 is E-L-E-V-E-N, 11, okay, spelling of 11. Now we have 11 bananas. If you add 1 banana to these 11 bananas, you will get 12 bananas. Now count the bananas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bananas थे, 10 में पहले हमने 1 add किया, so it becomes 11. So now we have 11 bananas, 11 में हमने 1 banana और add कर दिया. So it becomes 10 plus 1 is 11, 11 plus 1 is equal to 12. 11 bananas थे, 11 में हमने 1 और ऐड कर दिया. So 11 में जब हमने 1 और ऐड कर दिया तो कितने हो गए, 12. ओके, सो नाउ वी हैव 12 bananas एंड द स्पेलिंग ऑफ 12 इज टी डब्ल्यू ई एल वी ई, 12. ओके, नाउ वी हैव 12 bananas. अभी कितने bananas है, वी हैव 12 bananas. इस 12 बनाना में हमने एक बनाना और ऐड कर दिया. वी ऐड वन मोर बनाना इन दीज 12 बनानास, सो व्हाट डू वी गेट 13 बनानास. सो 12 बनानास प्लस वन मोर बनाना इज इक्वल टू 13 बनानास एंड द स्पेलिंग ऑफ 13 इज T H I R T E E N, 13. T H I R T E E N, 13. Okay, that means we keep on adding 1 to the previous number, and when we add 1 to the previous number, we get the next number. मतलब हम जब previous number में 1 add करते हैं तो हमें next number मिलता है, ठीक है ना. जैसे 10 में हमने 1 ऐड किया, वी गेट 11. 11 में हमने 1 ऐड किया, वी गेट 12. 12 में हमने 1 ऐड किया, वी गेट 13. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस नाउ, जब हम 13 में 1 ऐड करेंगे. नाउ वी हैव 13 बनानास एंड 13 में 1 मोर बनाना इज एडेड. सो व्हाट हैपेंस, 13 बनानास प्लस 1 मोर बनाना is equal to, we get the next number and 13 के बाद next number क्या आता है, 14. So this is 14 and the spelling of 14 is 14, F O U R T E E N, 14. Okay, ये समझ में आ रहा है ना. Now we have 14 bananas, we add one more banana. अभी 14 bananas है, 14 bananas में one more banana is added here. यहाँ पे 14 में एक banana और add कर दिया तो कितने bananas हो गए, 15. And the number name is F I F T E E N, 15. The number name, जैसे ये जो नंबर नेम्स है, दीज आर नथिंग बट द स्पेलिंग ऑफ दीज नंबर्स, 11, 12, 13, 14, 15, सबकी जो स्पेलिंग है दैट इज नोन एज नंबर नेम. अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द नंबर नेम ऑफ 11, राइट द नंबर नेम ऑफ 11, सो व्हाट विल यू राइट, ई एल ई वी ई एन, जो 11 की स्पेलिंग है दैट इज द नंबर नेम ऑफ 11. 12 की स्पेलिंग जो है दैट इज द नंबर नेम ऑफ 12, ठीक है. जैसे आप व्हेन यू राइट योर ओन नेम, आप जब अपना नाम लिखते हो तो
तो हाउ डू यू राइट इट? अगर हिंदी में लिखते हो तो हिंदी के अक्षर लिखते हो, और अगर इंग्लिश में लिखते हो देन यू राइट द स्पेलिंग ऑफ योर नेम, इजंट इट? जैसे मेरा नाम रंजना है, तो इफ आई राइट माई नेम आई विल राइट द स्पेलिंग ऑफ रंजना, RANJANA. दिस इज सिमिलर, जैसे हम अपना नाम लिखने के लिए अपने नाम की स्पेलिंग लिखते हैं, सिमिलरली नंबर नेम्स भी लिखने के लिए हम उन नंबर्स की स्पेलिंग लिखते हैं. तो नंबर नेम इज द स्पेलिंग ऑफ द नंबर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वी हैव 15 बनानास नाउ. अभी अगर आप 15 बनानास में इफ यू एड वन मोर बनाना देन वी गेट 16. ओके, एंड द स्पेलिंग इज SIXTEEN 16. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व चिल्ड्रन? इसको देख करके क्या समझ में आ रहा है कि हम प्रीवियस नंबर में व्हेन वी आर एडिंग वन वी आर गेटिंग द नेक्स्ट नंबर. 10 + 1 = 11, 11 + 1 = 12, 12 + 1 = 13, 13 + 1 = 14, 14 + 1 = 15, 15 + 1 = 16. ओके, वी हैव 16 बनानास नाउ. सो 16, वी हैव 16 बनानास. अभी 16 में, यहां पे 16 बनानास है, 16 में इफ आई एड वन मोर बनाना तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट 17, एंड द स्पेलिंग इज SEVEN 17. ओके, वी हैव 17 बनानास नाउ. 17 प्लस वन मोर बनाना, 17 बनानास है, 17 में हमने एक और बनाना ऐड किया तो इट बिकम्स वी गेट 18, एंड द स्पेलिंग ऑफ 18 इज EIGHTEEN 18. वी हैव 18 बनानास नाउ. 18 प्लस वन मोर बनाना इज इक्वल टू 19. ओके, एंड द स्पेलिंग ऑफ 19 इज NINETEEN 19. ओके, एंड 19 व्हेन वी एड वन मोर बनाना इन 19 प्लस 1 दैट इज 20. TWENTY, वी हैव 20 बनानास नाउ. ओके, सो 10 बनानास थे, 10 में 1 ऐड किया 11, 11 में 1 ऐड किया 12, 12 में 1 ऐड किया 13, 13 में 1 ऐड किया 14, 14 में 1 ऐड किया 15, 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 1 19, and 19 प्लस 1 20. That means, जब हम प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर रहे हैं, दैट इज 16 में 1 ऐड कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग द नेक्स्ट नंबर दैट इज 17. 17 में हमने 1 ऐड किया, वी आर गेटिंग द नेक्स्ट नंबर दैट इज 18. 18 प्लस 1 19, एंड 19 प्लस 1 20. सो दिस इज द एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ 1, जो हमने एडिशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि व्हेन वी ऐड 1 टू एनी नंबर वी गेट द नेक्स्ट नंबर. सो यहाँ पे भी देखो सेम चीज है, किसी भी जिस भी नंबर में हम 1 ऐड कर रहे हैं वी आर गेटिंग द नेक्स्ट नंबर. सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ. नाउ नंबर नेम्स, नंबर नेम्स एज आई टोल्ड यू, नंबर नेम्स आर द स्पेलिंग ऑफ द नंबर. जैसे हम उस नंबर को प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो स्पेलिंग होती है दैट इज द नंबर नेम. नंबर नेम्स, ओके,
write the number names of the numbers 11 to 20. 11 को आप कैसे बोलते हो? 11, ठीक है. जैसे हम बोलते हैं वी एग्जैक्टली राइट द स्पेलिंग. सो 11, द स्पेलिंग ऑफ 11 इज ई एल ई वी ई एन, 11, ठीक है. नेक्स्ट नंबर इज 12, टी डब्ल्यू ई एल वी ई, 12. 13, टी एच आई आर टी डबल ई एन, 13. वी से 13, ओके. सो दैट इज वाई वी आर यूजिंग डबल ई. हम 13 नहीं बोलते ना, वी डू नॉट से 13, वी से 13. इसीलिए वी राइट टी एच आई आर टी डबल ई एन. जो डबल ई का जो साउंड होता है, जो हम इंग्लिश में भी साउंड पढ़ते हैं, स्मॉल ई एंड लॉन्ग ई. स्मॉल ई मतलब जो छोटी की जहां पे मात्रा होती है, एंड लॉन्ग ई जहां पे बड़ी ई की मात्रा होती है. सो दिस इज 13. सो वी यूज टी डबल ई एन, 13. 11, 12, 13. द नेक्स्ट इज 14, ओके. 14, सो 14 इज 4. अब 4 बोलते हो, 14. फर्स्ट वी राइट द स्पेलिंग ऑफ 14, एफ ओ यू आर एंड टी डबल ई एन, 14. जैसे आप उस नंबर को प्रोनाउंस करते हो, जैसे आप उस नंबर को बोलते हो, इन द सेम वे वी राइट इट, बिल्कुल वैसे ही हम उसको लिखते हैं. ओके, 14. देन 15, यू से 15. 15 तो हम नहीं बोलते, वी से 15. सो एफ आई एफ टी डबल ई एन, 15. 15 नहीं बोलते हम, 15 बोलते हैं. तो एफ आई एफ एफ टी डबल ई एन, 15. 15. देन नेक्स्ट इज 16, क्या बोलते हैं हम, 16. सो एक्स आई एक्स सिक्स टी डबल ई एन, 16, ठीक है. देन 17, 17 आप कैसे बोलते हो, 17. एस ई वी ई एन टी डबल ई एन, 17, ओके. 17, 7 द स्पेलिंग ऑफ 7 एंड देन टीन, 17. देन 8, 18. हम 18 नहीं बोलते हैं, वी से 18. 18, 8. फर्स्ट वी राइट द स्पेलिंग ऑफ 8, ई आई जी एच टी डबल ई एन, 18. इन 18, ई आई जी एच टी, द स्पेलिंग ऑफ 8 इज ई आई जी एच टी. 8 की स्पेलिंग क्या है, ई आई जी एच टी, 8. एंड देन 18, टी डबल ई एन. तो हम 18 तो नहीं कहते, वी डू नॉट से 18, वी से 18. सो द साउंड ऑफ 1 टी इज साइलेंट, 18 नहीं बोलते, वी से 18. सो 1 टी इज, यहां से 18 इसलिए मिसिंग है, वी से 18. सो ई आई जी एच टी डबल ई एन, 18.
The next is 19. 19. So N I N E 9 T double E N 19. Most of the numbers, जितने भी number names हैं, अधिकतर number names बिल्कुल जैसे हम उनको बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही हम लिखते हैं. यू विल सी 11, इले ई एल ई, अगर आप स्पेलिंग को ब्रेक करोगे तो 11, ई एल ई 11. 12, टी डब्ल्यू ई एल वी ई 12. 13, टी एच आई आर थर टी डबल ई एन टीन 13. 14, 14 हम नहीं बोलते, 14. जब 4 हम बोलते हैं तो वी से 4, ओके, बट व्हेन वी से 14 तो वी डू नॉट से 14, वी से 14, ठीक है, 14. 15, 15, एफ आई एफ 15, डबल ई एन 15. 16, एस आई एक्स टी डबल ई एन 16. Then 17, S E V E N 7 and T double E N teen, that is 17. 18, जैसे मैंने बताया 18, we do not say 18, we say 18. So one T is 8 का जो T आप कह सकते हो कि 8 का T missing है. 18, then 19, N I N E 9, T double E N teen. 19, and then 20, T W E N T Y 20. So these are the number names. They are known as number names because they are the names of these numbers. अभी जैसे मैं हमने इंग्लिश में नेमिंग वर्ड्स पढ़ा ना कि नेमिंग वर्ड्स में, नेमिंग वर्ड्स का मतलब है हर चीज का एक नाम होता है, तो सिमिलरली नंबर्स का भी नाम है. नहीं तो आप कैसे बोलोगे? अब अगर थ्री बोलना है तो अगर थ्री नंबर नेम नहीं होगा तो कैसे हम बोलेंगे? इवन द नंबर्स हैव ऑल्सो अ नेम. सो दीज आर द नंबर नेम्स. ओके, सो वी हैव डन नंबर नेम्स एंड वी हैव डन numbers from 11 to 20. How do we get the next number? मतलब कोई अगर number है तो उसका next number हमें कैसे मिलता है? By adding 1. Any number, किसी भी number में हम 1 add करते हैं तो हमें क्या मिलता है? उसका next number. 10 plus 1, 11. 11 plus 1, 12. 12 plus 1, 13. 13 plus 1, 14. 14 plus 1, 15. 15 plus 1, 16. 16 plus 1, 17. 17 plus 1, 18. 18 plus 1, 19. And 19 plus 1, 20. In this manner, आप किसी भी नंबर में 1 ऐड करोगे, आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा. तो इस तरह से, in this manner, you can keep on getting the next number by adding 1. अभी जब हम 20 से आगे के numbers पढ़ेंगे तभी भी हम देखेंगे कि हर एक number में हम 1 add करते जाते हैं और हमें next number मिलता जाता है. Now children, जो numbers हैं, numbers का कोई end नहीं है. हम ये नहीं कह सकते कि numbers 100 पे खत्म हो गए, कि 1000 पे खत्म हो गए, कि लाख पे खत्म हो गए, कि करोड़ पे खत्म हो गए. नंबर्स का कोई एंड नहीं है. नंबर्स कहीं पे भी खत्म नहीं होते. नंबर्स चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं. आप हर एक नंबर में बस 1 ऐड करते जाओ, यू विल कीप ऑन गेटिंग द नेक्स्ट नंबर. ठीक है, तो नंबर्स का कोई एंड नहीं है. नंबर्स आर एंडलेस. कितनी सरप्राइजिंग बात है ना ये कि नंबर्स कभी खत्म ही नहीं होते. एंडलेस है नंबर्स. ठीक है, आप 1, 2, 3, 4 काउंट करते जाओ, 100, 1, 2, 3, 4, 1000 पे पहुंचोगे, 10,000 पहुंचोगे, 1 लाख, 10 लाख, 100 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, वो लेकिन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा. सो ओके चिल्ड्रन,
So we have started chapter number 6 today, numbers till 20. Today we have done number names. So today I will stop here only. In my next class, we will see how do we make a collection. ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे. सो टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली. थैंक यू चिल्ड्रन.